भाभी इसको। ये तेरा पालतू कुत्ता है या बहन का लवड़ा फालतू का ही कुत्ता है? ऊ करके दबदबा बनाना चाहता है मुझ पे। इसे बता जरा अपने बारे में कि बांगड़ बिल्ला बोलते हैं तेरी माँ का भोसड़ा साले। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। आज अचानक से ही मसाज करने लग गई। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मिष्टी के साथ मैंने नाजायज संबंध बना रखे हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहन की लोड़ी गला घोट के मेरी मृत्यु कर देगी और घर वालों से बोल देगी कि पैसों की तंगी के चलते मैंने आत्महत्या कर ली। भोसड़ी के इतना बड़ा बाहुबली बन गया तू? नहीं क्या सोच रहा तेरा ये हंसी ठिठोली वाला सर्कस देख के मैं डर जाऊंगा और डिब्बी को पीछे हटा लूंगा। डिब्बी की माँ चोत के रख दूंगा मादर चोत। हट बहनचोद कुत्तों की जिंदगी। मैंने ऐसे समझाया भी, देख भाई अपनी बिरादरी अलग है, अपन है आत्मसम्मान वाले, ये चापलूसी के काम अपने नहीं है। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की आदत होती है गांड गुलामी की। बिल्ला नाम पे कलंक है ये मादरचोद। मैं इसका पालतू जानवर नहीं हूँ, मैं हूँ मिथिलेश। लापता विद्यालय के बाहर बिल्लियों की छेड़खानी कर रहा था, ये उठा लाई। अब मैं इसके लिए एक खिलौना हूँ, जब मन चाहा खेला कूदा फेंक दिया। यहाँ बहनचोद को अंडम जैसी जिंदगी हो गई है। मछली के आकार का टोपा बना के पहना दिया। नहीं क्या सोच रही है, इसे पहन के मैं बीच झुमरी तलैया में जाके खड़ा हो जाऊंगा, उधर मछलियां देख के सोचेंगी ये तो अपनी बिरादरी का है, आके मुझे गले से लगा लेंगी और मैं उनका गला दबा दूंगा। घंटा मछली 10 कदम दूर से देख के बोलेगी ये भेनचोद तो समुद्री लुटेरा है। ये देखो इनके कारनामे, दोगलापन रखते हैं हरामजादे। उनको पता है नलकी वाले बर्तन में पदार्थ रखा है, बिल्ला पी थोड़ी ना पाएगा। लेकिन अफसोस, बिल्ला पी तो नहीं पाएगा पर माँ जरूर चोट जाएगा। दत्तेरी माँ की चोट।